हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? बच्चा कैसे हो सब के सब? सो सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। तो आज की क्लास में बच्चा बिल्कुल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं हमारा प्रोग्राम नंबर 2। सो चलिए प्रैक्टिकल फाइल का अगला प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि भाई हम लोग कौन से नंबर का प्रोग्राम करेंगे। तो बिल्कुल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो अगर इस प्रोग्राम को मैं आपको वैसे समझाऊं कि भाई हम लोग किस तरीके से इसको करेंगे, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। होगा क्या कि आपको 2 नंबर यूज़र से लेने हैं, चाहे आपने यहाँ पर मान लो आपने n ले लिया, एक सेकेंड बच्चा, आपने यूज़र से n1 ले लिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, जो भी नंबर आपने यूज़र से इनपुट कराया, आप उस यूज़र से इनपुट कराया आपने कोई भी वैल्यू 5, 10, 15, अब एक और नंबर ले लीजिए, उसको भी आप यूज़र से इनपुट करा लीजिए। आपको पता होना चाहिए हाउ टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, वी आर यूजिंग फॉर दैट इंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन। अब ये 2 नंबर जब यूज़र से इनपुट हो गए, तो अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। तो बड़े छोटे के लिए हम लोग हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ है जो करते थे, डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। ये 6 तरीके के हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जो सारे आपको आंसर रिटर्न करते हैं या तो ट्रू और या फिर फॉल्स, ठीक है, या ट्रू बोलते हैं या फॉल्स बोलते हैं। ये सारे तरीके के हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, चाहे कंपैरिजन ऑपरेटर बोल दो इन्हें, चाहे रिलेशनल ऑपरेटर बोल दीजिए, तो इसके थ्रू हमें 2 ही तरीके के आंसर पता चलते हैं, ट्रू और फॉल्स। अब जब हमें ऐसी कंडीशंस यहाँ पर प्रोग्राम में यूज़ करनी पड़ती है जिसके बेसिस पर हमारा रिजल्ट निकले, कि जैसे अगर मेरा n1 बड़ा होगा n2 से, तो प्रिंट हो जाए कि भाई n1 बड़ा है, और अगर छोटा हुआ तो मेरा ये भी तो प्रिंट होना चाहिए कि भाई n2 मेरा बड़ा है। तो हम अब कंडीशन के बेसिस पर कुछ प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो अगर इस तरीके का हमारे पास में कुछ भी आता है, तो हम उसके लिए इफ़ कंडीशंस को यहाँ पर याद है जो करते हैं। जैसे अगर मैं बच्चा n1 लिखूँ और इंटीजर इनपुट करा दूँ, मैं कहती हूँ एंटर n1, ठीक है। अब मैं कहती हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड बच्चा, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ n2, और इसको लेकर के चलते हैं यहाँ पर n2, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा, n1 या n2, ठीक है, तो n2। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर लगा दिया। हालांकि हम ऐसे नहीं करेंगे प्रोग्राम को, बट मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझा रही हूँ, तो हमने कुछ ऐसे कर दिया। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ऑफकोर्स पहली लाइन चलेगी, बोलेगी यार पहला नंबर एंटर करो, हमने दूसरा नंबर एंटर कर दिया है ना, पहला दूसरा दोनों। तो अब पहले में देखो पूछ रहा है कि भाई n1 क्या नंबर 1 है जो आपने इनपुट किया था, क्या इनपुट किया था 90, क्या वो बड़ा है? हाँ जी, तो हाँ जी का मतलब होता है ट्रू, इस ऑपरेटर के थ्रू, रिलेशनल ऑपरेटर जो आपको ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आंसर करते। फिर हमने पूछा कि भाई n1 क्या छोटा है, तो नहीं भाई n1 बड़ा है, इसीलिए उसने हमें फॉल्स आंसर किया। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है, आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स आंसर नहीं प्रिंट कराने, आपको इनके ट्रू या फॉल्स होने पर आपको वो आंसर देना है कि भाई n1 अगर बड़ा है n2 से, ये बात सच है, ट्रू है, तो आप प्रिंट कराओ भाई n1 बड़ा है n2 से, या फिर n1 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। तो जब हमें ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं और उनके बेसिस पर कुछ प्रिंट कराना होता है, तो बिल्कुल हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ कंडीशंस को। तो हम पूछ रहे हैं कि हमारा n1 n2 से बड़ा है, अगर बड़ा है हमारा n1 n2 से, तो भाई हमें मैसेज कुछ इस तरीके से प्रिंट है जो हो जाए, जो भी आप कहना चाहें। क्या आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि भाई n1 इज लार्जर, ठीक है, अब ये तो आ जाएगा इसके थ्रू कि भाई n1 इज़ लार्जर, जैसे मैंने इसको प्रिंट कराया, तो इट इज़ सेइंग कि भाई आपके पास में 100 है और ये 20 है, तो n1 हमारा लार्जर है। लेकिन मैं क्या करती हूँ बच्चा, यहाँ पर ना 100 एंटर कर देती हूँ और यहाँ पर 200, तो अब मेरे पास में कुछ भी प्रिंट होकर के नहीं आ रहा, क्योंकि इस कंडीशन में आप गए ही नहीं। तो अगर ऐसा केस बनता है, तो हमें एल्स का केस भी यहाँ पर रखना पड़ता है।
तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई एन टू है हमारे पास में इज लार्जर, ठीक है, एन टू हमारे पास में क्या है, लार्जर नंबर है। तो अब अगर ऐसा केस बनेगा कैसा, 200 और 300, तो एन टू के टाइम पर प्रिंट हो जाएगा। बट एक और केस मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं ऐसा कर दूँ इसमें भी 10 इसमें भी 10, तो अब मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, प्रिंट हो रहा है एक्चुअली में, ये बोल रहा है कि एन टू हमारा बड़ा है, जबकि सच क्या है, सच ये है कि दोनों नंबर बराबर हैं। तो ऐसे केस में आप लोग यहाँ पर इफ के साथ एल इफ का यूज़ कर सकते हैं, एल इफ जिसको हम बोलेंगे। तो ये केस आता है जब हमारे पास में कोई ऐसा मल्टीपल कंडीशंस वाला केस हो। तो मैं अगर कहती हूँ कि एन वन छोटा है किससे, एन टू से, तो ऑफकोर्स द कंडीशन विल से कि भाई अगर एन वन छोटा है एन टू से तो एन टू ही बड़ा हुआ ना। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। एल इफ गड़बड़ क्या थी, मैंने एन की स्पेलिंग लिख दी थी बड़ी, छोटा है एन टू से, स्पेलिंग मतलब मैंने उसको कैपिटल में लिख दिया था। अब एल्स वाला केस यहाँ पर आएगा, एल्स प्रिंट कहता है बोथ आर इक्वल। तो अब जब हम दोनों में 10 और 10 एंटर करेंगे, 10 कॉमा 10, सो इट विल से बोथ आर इक्वल रादर देन कि भाई एन टू इज ग्रेटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पर किया है। मल्टीपल कंडीशंस जब हमें चेक करनी होती है तो हम एलिफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तब हम इस कंडीशन में जाएंगे, जब ये भी फॉल्स होगी तब हम एल्स वाले केस में जाएंगे। तो इस कंडीशन को आप समझिए, जब ये वाली ट्रू होगी तो ये बाकी कंडीशंस कोई भी नहीं चलेगी, और जब हमारे पास में ये ट्रू नहीं हुआ फॉल्स हुआ तब हम अगले सेक्शन में आएंगे, और अगर ये ट्रू है तो इसके आगे कुछ नहीं चलेगा जो कि इस इफ का पार्ट होगा। वैसे अगर कोई प्रोग्राम का पार्ट है जैसे प्रिंट फिनिश आपने लिख दिया, तो अब इसका कोई लेना देना नहीं है इनमें से किसी के भी ट्रू या फॉल्स होने पर, ठीक है, क्योंकि इसने तो चलना ही चलना है, ये प्रोग्राम का पार्ट है। जैसे आपने कहा 10, आपने कहा 20, तो ये लाइन फिनिश वाली तो चलेगी ही चलेगी, ठीक है। कहने का मतलब अगर ये 3 नंबर लाइन वाला इफ ट्रू है तो ये अपने इस एरिया को 5, 6, 7, 8 नंबर को स्किप करेगा और फिनिश विल बी प्रिंटेड। अगर ये फॉल्स है तब ये क्या करेगा, 5 नंबर चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो इसको चला देगा, अदरवाइज एल्स आपका चलेगा ही चलेगा। एल्स उस केस में चलता है जब आपको ऊपर से सारा फॉल्स हो, ठीक है, तब इसने चलना ही चलना है आपके एल्स ने यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगला प्रोग्राम भी है जो इसी से रिलेटेड है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, तो मैं इसको एक बार कलर दे दूँ कि हमने ये भी कर लिया है प्रोग्राम। एक सेकेंड, ये वाला प्रोग्राम नंबर 2, दिस वी हैव डन, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग थर्ड प्रोग्राम करेंगे, तो तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।